हेलो एवरीवन, आज हम क्लास सिक्स की बुक हनी सकल के चैप्टर नंबर सिक्स को करेंगे, हु आई एम पार्ट वन मैनी वर्सेस। तो बिफोर यू रीड इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कैसे हम एक दूसरे से अलग होते हैं, कैसे हमारे इंटरेस्ट अलग होते हैं, कैसे एक वे में हम बहुत अच्छे होते हैं और शायद दूसरे में नहीं हो सकते। तो हम वी आर नॉट इक्वली इन इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर थिंग। तो ऐसा एक पर्सन एक जो स्किल है उसमें बहुत अच्छा है, शायद दूसरा नहीं है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, कैसे है ये इस चैप्टर में यही देखेंगे। तो पार्ट वन करेंगे आज के इस लेक्चर में, दैट इज़ पार्ट वन मैनी वर्सेस। तो राधा 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 क्या बोलती है अपने बारे में, माई फेवरेट एक्टिविटी इज अ क्लाइंबिंग ट्री जस्ट आउटसाइड आर हाउस, देर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। तो राधा बोलते हैं, वो बोलती है कि मुझे ना ट्रीज़ पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जो मेरे घर के बाहर है मैंगो का वो ट्री है, मुझे वहाँ पे जाना बहुत प्यारा लगता है, वो ट्री बहुत अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत स्प्रेड हुई हैं, तो जिससे ये बहुत सिंपल है इस पर क्लाइंब करना। एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेस। तो मैं जो दो ब्रांचेस के बीच में जो फॉर्क बना होता है उस पर बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकती हूँ। माय मदर टेल मी इट्स अ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू। तो एक मेरी मदर बोलती है मुझे कि ये गर्ल्स के लिए एक सेंसिबल चीज़ नहीं है, सेंसिबल बात नहीं है कि वो ट्रीज पे क्लाइंब करें। बट एक आफ्टरनून दोपहर को क्या होता है, मेरी मदर खुद क्लाइंब करती है, वो भी चढ़ती है। And both of us sit there talking and eating raw mangoes. तो हम दोनों वहाँ पर चढ़ते हैं और वहाँ पर बातें करते हैं और कच्चे कच्चे आम हैं वो खाते हैं। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. जब मैं ट्री के ऊपर होती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं सभी होल वर्ल्ड पर रूल कर रही हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट राधा। नेक्स्ट वी विल know about Nasir. Nasir, when I grew up, I want to become a seed collector. तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैं एक seed collector बनना चाहता हूँ। Okay? We have cotton field in our village and every year my father spent a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. तो क्या ये हर एक साल क्या होता है जो हमारे कॉटन फील्ड हैं हमारे विलेज में, हर एक साल मेरे पापा बहुत पैसा उड़ा देते हैं, उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है उनको नए सीड्स खरीदने के लिए हमारे कॉटन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी इयर्स अगो ही कलेक्टेड द सीड्स फ्रॉम हिज ऑन प्लांट्स दैट कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। तो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं दादाजी, वो मुझे बताते हैं कि वो बहुत साल पहले की बात है कि वो सीड्स को कलेक्ट करते थे और वही सीड्स को कलेक्ट करके अपने ही फील्ड के प्लांट में से वो सीड कलेक्ट करते थे और वो जो नेक्स्ट ईयर होता था वो उसी सीड को मतलब उगाते थे, सोन करते थे और न्यू प्लांट्स उगाते थे। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो मगर आज वो वर्क नहीं कर रहे, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय। तो इसलिए हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं फॉर न्यू सीड वेरी सिंगल ईयर, I want to find out what that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. तो बस मैं भी ये seeds को collect करना सीखना चाहता हूँ ताकि मैं seeds को बचा सकूँ और हमें इतने पैसे हर साल खर्च ना करने पड़े seeds को लेने में खरीदने में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नासिर। नासिर की सोच देखो, सोच की बात होती है, इंटरेस्ट की बात होती है। तो आगे हम बात करेंगे रोहित के बारे में। रोहित बोलता है, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल द
ट्रैवल एंड ट्रैवल, तो वो बोल दिया जब अगर ना मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत घूमता जाऊँगा, जानकि ट्रैवल पर ट्रैवल जानकि उसको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन ऑफ द न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन द मैगजीन पिक्चर। तो क्या है जी, वो बोलते हैं जो न्यूजीलैंड के माउंटेन्स हैं उनको वो देखना चाहता है क्योंकि मैगजीन में उनकी पिक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेज़न रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन द रेफ्ट। तो वो उनका ये रोहित की ये भी इच्छा है कि वो जो अमेज़न रिवर है साउथ अमेरिका में उस वहाँ पे भी वो जाए, वहाँ पे भी वो सेल करके आए ऑन अ रेफ्ट। ओके, आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ द लक्षद्वीप्स एंड डाइव डाउन टू सी अ कोरल। तो वो उसकी ये भी इच्छा है कि वो जो बीचेस हैं लक्षद्वीप के वहाँ पे भी डाइव करके आए, यानी कि तैरना चाहता है वहाँ पे भी। आई सपोज आई शुड गो टू अ कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा। तो वो ओडिशा का जो कोणार्क टेम्पल वहाँ पे भी जाना चाहता है, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू। तो वो चाइना की जो बीजिंग सिटी या ओल्ड सिटी है वहाँ पे भी जाना चाहता है, और पिरामिड है जो इजिप्ट का वो भी उसको देखना चाहता है। बट वट आई एक्चुअली इंजॉय इन सीइंग नेचर मोर देन अ ओल्ड बिल्डिंग। मगर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है नेचुरल नेचर पे ज़्यादा है मुझे, मैं नेचर की लैब में ज़्यादा इंजॉय होता है, मुझे इंजॉय करता हूँ मैं ज़्यादा, तो इसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है ओल्ड बिल्डिंग्स में। आगे है सरबजीत। सरबजीत के बारे में जानेंगे। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth। वो बोलता है मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते और मैं सच बोल रहा होता हूँ। For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it। जैसे इसकी एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जैसे जो मेरी जब मैं मेरी टीचर को ये बोलता हूँ मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि रवि ने मेरी बुक ली थी और वो मुझे रिटर्न करना वापस करना भूल गया, और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजेंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। अगर जब मैं पेरेंट्स से भी ये बोलता हूँ कि मेरे झगड़ा मैंने स्टार्ट नहीं किया, मेरे छोटे भाई ने स्टार्ट किया, और इफ टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैड गॉट बैड मार्क्स। जब मुझे बैड मार्क्स आते हैं मैं मेरी टीचर को ये भी बोलता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से अपने टेस्ट की प्रेपरेशन की थी। They all look at me as if they think I am telling lies। मगर वो मेरे तरफ ऐसे घूर के देखते हैं कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। The look on their faces really anger me। जो उनके फेस पर लुक होती है ना, वो जैसे मेरे को घूर रहे होते हैं, तो मुझे वो बहुत गुस्सा दिलाती है। Sometime I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry। तो कभी कभी मैं अपने गुस्से को, फिर उस टाइम पे मैं अपने गुस्से को कैसे शांत करता हूँ, सरबजीत बोलता है कि मैं वो अपने जूतों की तरफ, शूज़ की तरफ देखता हूँ और 10 तक काउंटिंग करता हूँ ताकि मैं ये ना शो कर पाऊँ कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो आगे है डोलमा। डोलमा के बारे में जानते हैं। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India। तो ये इसके बड़े ख्वाब जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो बहुत ऊँचे हैं। वो बोलती है डोलमा बोलती है जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँगी, प्रधानमंत्री बनना है मुझे इंडिया का। People always laugh when I ask that, when I say that। तो जब लोग मेरे पे हंसते हैं जब मैं ये उनको ये बात बोलती हूँ। But I am sure that I will do it। मगर surely मुझे पक्का पता है कि मैं ये सब कुछ करूँगी। Everyone in my class ask me what to do when they have a problem। तो वो जो उसके क्लास के सभी स्टूडेंट उनसे पूछते हैं जब तो क्या करोगी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी। तो मेरी जो टीचर है वो हमेशा मेरे पे ट्रस्ट दिखाती है। वैन समथिंग नीडेड टू बी डन इन स्कूल, जब भी कुछ स्कूल में हुआ होता है। आई वॉन्ट टू मेक अ थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन। मैं
सबके लिए जो कोई भी चीज़ है वो बहुत ही एवरीवन के लिए बेटर बनाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट अस टू हैव अ गुड हॉस्पिटल एंड अ रोड्स एंड स्कूल्स. मैं चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में हॉस्पिटल्स हों, रोड्स अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छे रोड्स हों, अच्छे स्कूल्स हों. आई वॉन्ट टू बी मेक श्योर दैट आदर विल बी अ मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया who will invent cures of disease and send a spaceship to Mars. तो क्या है जी, मैं ये भी श्योर करना चाहती हूँ कि ये ऐसा भी कुछ करना चाहती हूँ कि जैसे जो बहुत से जो गुड साइंटिस्ट हमारे इंडिया में से बने और जो बहुत सी डिजीज़ हैं उनके क्योर भी हमारे इंडिया के साइंटिस्ट उसकी डिजीज़ की क्योरेबल मेडिसिन इन्वेंट करें और मार्स पे एक स्पेसशिप भी सेंड करना चाहती हूँ. डोलमा का ये मानना है, ये उसकी विश है. नेक्स्ट इज़ द पीटर. पीटर बोलते हैं माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ. तो वो बोलता है जो मेरा सबसे प्यारा पसंदीदा फेवरेट डे है वो है सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ. हर एक महीने का दूसरा एतवार रविवार मेरा फेवरेट डे है. ऑन दिस डे माई आर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी द फिल्म. क्योंकि इस दिन क्या होता है, जो हमारी सारी फैमिली है हम इकट्ठे सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं. माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस माई ग्रैंड मदर माई पेरेंट्स माई टू ब्रदर्स एंड आई टेक द बसेस देयर. तो मेरे फादर पहले से ही वो टिकट खरीद लेते हैं. इसके बाद मेरी दादी मम्मा, मेरे पेरेंट्स, मेरे दो ब्रदर और मैं सब हम बस लेकर वहाँ पे चले जाते हैं. इन द इंटरवल माई फादर, इंटरवल में क्या होता है, जो मेरे फादर हैं वो पीनट्स खरीदते हैं. एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे अंधेरे में खाना और फिल्म देखना. आफ्टर वर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम. तो आफ्टर वर्ड्स हम आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाते हैं. एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड. तो सब बहुत ही अच्छे मूड में होते हैं. एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर अ सच अ हैप्पी फैमिली. तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत मैं लकी फील करता हूँ अपने आप को कि हमारी जो बहुत ही फैमिली बहुत हैप्पी फैमिली है. तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही. आज का ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है. आई होप ये पार्ट वन था. पार्ट टू भी मैं अपलोड करूँगी, वो भी आपने देखना है, देखना नहीं भूलना. Thank you and have a nice